एक बड़ी खबर है कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया है जनाब कलीमुल हफीज साहब ने। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, इनके चाहने वाले मोहब्बीन यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ज्वाइन करने के साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब ने इन्हें दिल्ली यूनिट का सदर बना दिया है, कि सारे चाहने वाले मौजूद हैं। पहले कलीमुल हफीज साहब से जानते हैं कि कलीमुल हफीज साहब क्या सोचकर आपने आज मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन भी किया और सदर भी बना दिया गया आपको? देखिए, मैंने ये सोच के किया कि मुझे दिल्ली के आवाम की खिदमत करनी है, ख़ास तौर से मजलिस को कायम करना है, इसकी पूरी कमेटी तश्कील करनी है, एक सिस्टम इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसको वो उसी आब उताब के साथ दिल्ली में लाना है जिस तरह से ये हैदराबाद में है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं इनके चाहने वाले, क्या MIM पर बड़ा इल्ज़ाम भी लगता रहता है कि MIM जो कम्युनल पार्टी है, इस तरह की पार्टी है, तो आप पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम आए होंगे, तो कैसे काउंटर करेंगे, कैसे सामना करेंगे आप इन पार्टियों का? देखिए, काम सब बातों का जवाब होता है। कोई कुछ भी कहे, जिस तरह से MIM की अब तक कारकर्दगी रही है पिछले 63 साल की, वो अपने आप में बयान करती है कि वो लोग किस तरह से मेहनत के साथ काम करते हैं। और जितनी कामयाबी हैदराबाद या तेलंगाना में उनकी है, अगर उतनी दिल्ली में हो जाए तो दिल्ली के मुसलमानों की, दिल्ली के बैकवर्ड लोगों की तमाम समस्याएं, तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आरिफ सैफी साहब हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने लोगों में हैं, बल्कि दिल्ली में जिन लोगों ने तारुफ कराया है MIM, उनमें भी शामिल है। आरिफ सैफी साहब, कलीमुल हफीज साहब MIM को दिल्ली में कितना आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह विपक्षी दलों की जो बार बार बात आती थी कि आपकी तरफ से कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो आज उनके गाल पे एक ज़ोरदार तमाचा लगा है कलीम साहब की शक्ल में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इतने काबिल शख्स को हमारा सदर बना के दिल्ली के लिए भेजा है। बलीग नुमानी साहब, आप क्या कहेंगे कलीमुल हफीज साहब को सदर बनाए जाने पर? कलीमुल हफीज साहब को सदर बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ थी, अब उनके पेट में दर्द होना शुरू होगा। और सही बात यह है कि अब उन्हें पता लगेगा कि दिल्ली में आखिर यहाँ की जनता चाहती क्या।